दोस्तों वर्तमान में इंजीनियरिंग के अलावा मेडिकल ही एकमात्र क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा चुने जाने वाला करियर ऑप्शन है। बहुत से विद्यार्थियों का सपना एक डॉक्टर बनने का होता है, जिसके लिए वे 10वीं के बाद बायोलॉजी स्ट्रीम और फिर 12वीं के बाद MBBS जैसे कोर्स में एडमिशन लेने का प्रयास करते हैं। MBBS के अलावा भी मेडिकल के अंतर्गत कई सारे कोर्सेस हैं, पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी MBBS की तरफ ही जाते हैं। मेडिकल लाइन में अच्छे करियर के लिए आपका एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपने पसंद के कोर्स में एडमिशन मिलना जरूरी है। अब इसी से संबंधित एक बहुत ही कॉमन सवाल जो मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की सोचने वाले विद्यार्थियों के मन में अक्सर आता है कि आखिर एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऊर्जा टेक के एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और उन्हें कौन सी परीक्षा पास करनी होती है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। जब हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी MBBS या फिर BSc, नर्सिंग या BDS जैसे कोर्सेज में ही एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं। इसके अलावा भी मेडिकल लाइन में कुछ अन्य कोर्स हैं, जैसे कि फार्मेसी, चिकित्सा विज्ञान आदि, लेकिन MBBS और नर्सिंग जैसे लोकप्रिय कोर्सेज के तरफ ही सबसे ज्यादा विद्यार्थी जाते हैं। इसीलिए जब वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि MBBS या फिर नर्सिंग जैसे कोर्स में मेडिकल कॉलेज में दाखिला कैसे ले सकते हैं, और इसका सीधा जवाब है कि इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसे पूरे भारत में नीट के नाम से जाना जाता है। मुख्य तौर पर नीट क्वालिफाई होकर ही एक छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकता है। भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि नीट क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाता है। पहले के समय में AIPMT परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता था। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसके अलावा भी दूसरे मुख्य यूनिवर्सिटीज भी मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अपने अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा लेती थी। लेकिन अब भारत में MBBS और BSc नर्सिंग जैसे कोर्स में दाखिले के लिए हर विद्यार्थी को नीट की परीक्षा से ही गुजरना होता है। कोई भी विद्यार्थी नीट क्वालिफाई करके ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा सकता है। नीट में आए अंकों के आधार पर काउंसलिंग के दौरान मेडिकल विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज चुनने का अवसर मिलता है। अब हम जानते हैं कि नीट क्या होता है और नीट के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है। तो नीट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा कहते हैं, जो कि मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए अब अनिवार्य है। हर साल नीट की परीक्षा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है, जिसे पास करने वाले विद्यार्थी नीट की परीक्षा में आए अंकों के हिसाब से मेडिकल कोर्स और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि नीट की परीक्षा पास करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले तो आप नीट का फॉर्म भरे, और हम आपको बता दें कि नीट की परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां NTA द्वारा जारी की जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने और सही तरीके से फॉर्म भर लेने के बाद आप नीट की परीक्षा दे सकते हैं, और यदि आप अच्छे नंबर ले आते हैं तो आप एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। और रही बात नीट की परीक्षा में पास होने की बात, तो हर साल छात्रों के परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए कट ऑफ निकाला जाता है, और ये अलग अलग वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग होता है। अब जब आप नीट में बेहतरीन अंक ले आते हैं उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। काउंसलिंग का मतलब है कि जिन विद्यार्थियों के सबसे अच्छे नंबर आते हैं उन्हें देश के सबसे अच्छे और सरकारी मेडिकल कॉलेज का चुनाव करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें फीस काफी कम होती है। बहुत विद्यार्थियों के मन में सवाल होता है कि मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी लगती है, इसीलिए यदि वे कम खर्चे में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे से नीट की ही तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि वे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। काउंसलिंग में विद्यार्थियों को उनके अनुसार कॉलेज अलॉट हो जाता है, जिसमें वे अपने पसंद के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। अब काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज में जाकर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और यदि सब कुछ सही रहता है तो विद्यार्थी को उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीट की तैयारी के लिए पढ़ें क्या और नीट का सिलेबस क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि नीट की परीक्षा का सिलेबस आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस पर ही आधारित होता है। इसके सिलेबस में कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय शामिल हैं। वर्तमान में तो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हैं। आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं।
नीट का एग्जाम पैटर्न लगभग जी मेंस की तरह ही होता है। इसमें छात्रों को कुल 90 में से 75 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। परीक्षा में कुल 4 विषय होते हैं। सभी चारों विषयों के सेक्शन ए में 35-35 प्रश्न होते हैं और सेक्शन बी में 15-15 क्वेश्चंस होते हैं। हर विषय के सेक्शन बी में से उम्मीदवारों को केवल 10 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं। तो इस तरह से नीट की परीक्षा के बाद विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो कि एक डॉक्टर बनने की चाह रखते हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। I'm coming home.